और अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। बारे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और एक बड़ा कमाल बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने सन 1950 में जो संविधान लिखा, बाबा साहब राजू भारती जी संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे। बाबा साहब वाद्य यंत्र बजा रहे थे, वायलिन बजा रहे थे। जब वो संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे थे तो एक कांग्रेसी नेता उनके पास आए और कहने लगे, अरे अंबेडकर तुमने कोई बड़ा तीर तो मार नहीं दिया है। तो बाबा साहब ने कहा, अरे मूर्ख मैंने तो इतना बड़ा तीर मार दिया है कि कल जो लोग तखत पर बैठा करते थे अब वो नीचे बैठेंगे, जो नीचे बैठा करते थे अब वो मंच पर बैठेंगे। मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि जनता के वोट से पैदा होगा। तो तब कहता हूँ कि बाहरे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और कुछ भी ना था माला, और आज तो वो लोग भी आकर के कहते हैं कि जय भीम भाई साहब, अरे के बाहरे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना थे माला माल कर दिया, अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी अब गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया, अरे कल, अरे कल, अरे कल जो लोग तुम्हारे पीठ पे चाबुक मारा करते थे अब तो आकर के बैठ के चाय पीते साथ में, अरे कल, अरे कल, अरे कल जो लोग तुम्हारी पीठ पे चाबुक मारा करते थे, अरे कल जो लोग तुम्हारी पीठ पे चाबुक मारा करते थे मारते मारते मनुवाद का थोपड़ा लाल कर दिया। बाहरे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। और बच्ची कुची सम्मान में मेरे भी हाथ खोल लेना। एक बात कहने की कोशिश करता हूँ बस्ती की धरती पर कि बाहरे बाबा साहब 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर का सफर और दो दिन से थकान काफी थी, आज बागी भाई की वजह से नंबर यहाँ मिल गया। राजू भाई ने सिफारिश लगा दी, साथ ही साथ प्रदीप भाई ने सिफारिश लगा दी, वरना रात पहले तो हम कह रहे थे रात थे हमारे किशोर कुमार पगला, आज हम सोच रहे थे कहीं हो ना जाए हमारे राजू कुमार अगला, लेकिन राजू जी ने हमारा नंबर ले दिया। राजू भाई की बात से मुझे याद आ गया कि जब हम इनके घर पर गए तो भाभी जी बहुत गुस्से में थे, भाई साहब की लड़ाई हो रही थी, शादीशुदा संपत्ति जब दंपत्ति बन जाते हैं तो उसके बाद में क्या स्थिति होती है भाई साहब, आप थोड़ा सा आनंद लीजिएगा। और हमारे बागी भाई जो है वो स्थिति में प्रवेश करने की स्थिति में है, तो बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हमारे इनकी दोनों के आपस में लड़ाई हो गई, हमारे प्रदीप भाई की और इनकी पत्नी की आपस में लड़ाई हो गई, राजू भाई कह रहे मैं तो अभी कुंवारा ही हूँ तो प्रदीप भाई पे ले लेते हैं, प्रदीप भाई की जो पत्नी से लड़ाई हो गई तो पत्नी ने कहा कि जाओ आधा किलो भिंडी लेके आओ। अब भाई साहब गर्मी में गए, भरी दोपहरी में भिंडी खरीदने के लिए गए और भिंडी वाला जो ठेले वाला था भिंडी को पानी दिए जा रहा, पानी दिए जा रहा, जब एक घंटा हो गया तो भाई साहब ने कहा अरे भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो दे दे। भाई साहब ने ले ली, जब भिंडी ली घर पहुंचे, घर जाने के बाद भिंडी बनाई और जैसे इन्होंने खाई और खाने के बाद में इन्होंने कहा आठू कैसी भिंडी बनाई, ये तो कतई गुड़ गोबर कर दिया। तो एकदम से भाभी जी कहती है, अब हाथ खोलना भाई साहब के सम्मान में, एकदम से भाभी जी कहती है जैसे ही ये टेस्ट करते हैं तो एकदम कहते हैं आठू कैसी भिंडी बनाई, ये तो कतई गुड़ गोबर कर दिया। तो भाभी जी अचानक कहती है हे मेरे भीमराव कैसा पति मिला है, इसे गोबर तक का स्वाद पता है।